ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं। देख सकते हैं लोग खाली सिलेंडर लेकर इस जद्दोजहद में हैं कि उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन जल्द से जल्द भरी जाए, और भगदड़ का एक माहौल देखा जा रहा है। कमोबेश पूरे भारत भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग अपनों की जान बचाने के लिए किसी भी तरह से अपना सिलेंडर भरवा देना चाहते हैं, और इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बेड्स खाली नहीं है, ठीक है, वेंटिलेटर्स खाली नहीं है, बहुत परेशानी है, बहुत लोगों को यहाँ परेशानी है, घर पे लोग आइसोलेशन पे रखे हुए, उनके बुआ को दो दो सिलेंडर एक साथ चल रहे हैं बाईपैप। वहीं दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों को देखिए, शवों का अंबार लगा है, एक के बाद एक कतार में शव रखे गए हैं। शवों के बाद जो वहां पर राख बची है उसको किस तरीके से हटाया जा रहा है, ये भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। चिताएं लगातार यहाँ जल रही हैं, जगह कम पड़ गई है, और अपने जो हैं अपनों को खोने के बाद गमजदा हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें भारत के अलग अलग कोनों से आ रही हैं। कानपुर की तस्वीर है। कानपुर में गुरुवार, कानपुर में 22 तारीख अप्रैल 2021, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। पीछे देखिए एक बार, ये कानपुर का भैरव घाट है, यहाँ पे करीब मेरे काउंटिंग अगर सही है तो करीब अभी 38 डेड बॉडी अभी जल रही है, 38 शव। अब कंडीशन ये है कि पाइप यानी कि पानी का यूज करके डेड बॉडीज को बुझाया जा रहा है। ऐसा इनका मानना है कि 4 घंटे में डेड बॉडी चल जाती है, उसके बाद उनको पाइप डाल के बुझाया जा रहा है, और अभी भी शव बराबर आ रहा है। आपको उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उधर देखिए एक डेड बॉडी है, वो शव है जो अभी आया है, एक शव उधर है नीचे जो अभी आया है, और माहौल कुछ इस तरह का है कि धुआं इतना है, आग की लपट इतनी है कि आप देख सकते हैं ये पेड़ जो आप हैं, पेड़ अपने आप में सूख गए हैं, जल गए हैं। मैंने कुछ पेड़ छू के देखे जिसमें कि पत्ते छूते ही वो जल रहे हैं, पीला हो गया है। जो कंडीशन है फिलहाल इस कानपुर के भैरव घाट की, ये सिर्फ कोविड के लिए ही एक स्थिति बनाई गई है जहां पर सिर्फ कोविड की डेड बॉडी ही जलेगी। अब अमूमन आप अगर देखेंगे तो 2 फुट से ज्यादा फर्क नहीं है एक दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी के बीच में, और बॉडी ही बॉडी दिख रही है, जगह नहीं है अगली बॉडी के लिए। एम्बुलेंस में अभी भी कई ऐसे शव हैं जो वेट कर रहे हैं बॉडी के पास, जब वो यहाँ पे पाइप डाल के बिठाया जाएगा तब वो बॉडीज निकाली जाएंगी। अब कंडीशन कुछ इस तरह से है, मैं सुबह से पूरा काम से भ्रमण कर रहा हूँ, हॉस्पिटल की ये हालात है, डेड बॉडी मिलती है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद नहीं, तो दो तीन चार बाद मिलती है। लोगों को पता भी नहीं है कि उनके फैमिली को जिस बंदे को कोविड हुआ था वो बॉडी कहाँ रखी है। जब वो गाड़ी खुलता है तो बॉडीज में से लोग देख के बताते हैं ये सोनू है, ये मोनू है, नहीं नहीं ये है, तो मतलब बॉडीज को भी लोग ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसमें बंच ऑफ बॉडीज हैं। एक एम्बुलेंस के अंदर 15-15, 12-12 बॉडीज हैं। अब ये तो रही डेड बॉडीज की बात, हालात कुछ ऐसे हैं डेड बॉडीज के अलावा भी, अगर आप जिंदा लोगों की बात करें जिन्होंने घर में आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। अब उन सज्जन को ऑक्सीजन चाहिए तो एक सज्जन से मेरी कल बात हुई, वो अपने परिवार में सबसे मंझले हैं, मतलब सबसे बड़े भाई हैं, उनकी बुआ को कोविड हुआ है, और बुआ के कोविड होने की वजह से उनके घर में सारे भाई वो रोजे से थे, वो गेट के बाहर 3-3 घंटे शिफ्ट में खड़े हो रहे हैं रोजे के टाइम पे। उनका कहना है कि एक नहीं 2 सिलेंडर मेरी बुआ को लगा हुआ है, और वो 2 सिलेंडर 3 घंटे से ज्यादा चलते नहीं। अब मुद्दा ये है कि अगर आप हॉस्पिटल में लेके जाए
तो वहाँ ऑक्सीजन है या नहीं है किसी को नहीं पता, वहाँ अच्छे से इलाज हो जाएगा नहीं हो जाएगा किसी को नहीं पता। तो होम आइसोलेट करके लोग अपने परिवार को एक हॉस्पिटल बना रखे हैं। कुछ ऐसी डेड बॉडीज भी मुझे मिली हैं जिनके परिजनों का कहना है कि मेरी माँ अंदर थी, जब मेरी माँ अंदर गई थी तो उन्होंने ये चीजें पहनी हुई थी सोने की, वापस जब आए डेड बॉडी के टाइम पे उन्हें एक भी सोने का सामान जो उन्होंने पहना हुआ था वो उन्हें नहीं मिला। तो शव के साथ किस तरह से किस स्तर से चीजें हो रही हैं ये हमें नहीं पता। डेड बॉडी हमें मिलती है रात में, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं किसी को नहीं पता, क्यों क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो सुना भी नहीं जाते। जो मैं बता रहा था आप देखिए हमारे पीछे ये वो शव है जो वेटिंग में है, रात है उसे इस तरह से शव रखे गए हैं, जब वो जल जाएंगे शव जलाए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़े हैं, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।